एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था जो उसके मीठे फलों को खाकर अपना गुजारा करता था। नदी में एक बड़ा मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे आराम कर रहा था जहां बंदर ने उसे जामुन खाते देखा। नरम दिल वाले बंदर ने उसे भी जामुन खाने दिए और इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। जब मगरमच्छ अपने घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से बंदर के साथ हुई दोस्ती का जिक्र किया। ये सुनकर मगरमच्छ की पत्नी ने बंदर के दिल को खाने की इच्छा जताई, ये सोचकर कि बंदर का दिल उतना ही मीठा होगा जितना कि जामुन। मगरमच्छ अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था, इसलिए वो मान गया। दूसरे दिन पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दोस्त क्या तुम्हें पता है कि नदी के उस पार एक और जामुन का पेड़ है जहां और भी ज्यादा स्वादिष्ट जामुन है? चलो हम जाके वो जामुन खाते हैं, है ना? अनजान बंदर मगरमच्छ की बात मान गया और कंधे पर चढ़कर साथ चल पड़ा। जब वे पानी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दोस्त मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिल को खाने की इच्छा जताई है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें आज उसका भोजन बनना ही होगा। चतुर बंदर फौरन समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। उसने तुरंत एक योजना बनाई और मगरमच्छ से कहा, अच्छा ऐसा है, ये तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मेरा दिल तो पेड़ पर ही रहता है। चलो वापस चलते हैं और मेरा दिल ले आते हैं। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और बंदर को वापस किनारे पर ले गया। जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर फुर्ती से पेड़ पर कूद गया और मगरमच्छ को उसकी भोलापन का एहसास कराते हुए अपनी जान बचा ली। इस कथा से प्राप्त नैतिक शिक्षा यह है कि बुद्धिमत्ता और विवेक से आप किसी भी कठिन परिस्थिति से निजात पा सकते हैं, और जो धोखे में रहते हैं वे अंततः अपनी ही चालाकी में फंस जाते हैं।